भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। और अब जब इसको होवर करेंगे तो ये नाइसली इस सैन कलर का ये होवर इफेक्ट इस पे आएगा। और प्लस ये जो मेनू बार है वहाँ पे भी होवर इफेक्ट आएगा, राइट। और ये काफ़ी कॉन्साइज लग रहा है ये लोगो एंड ये मेनू। देख सकते हैं कि मैंने कोर्सेज भी ऑफर भी ऐड कर लिया है, विशेष भी ऑफर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। अब जैसे ओवर करते हैं इसको तो एक अच्छा सा ओवर इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये ब्लू कलर का उसमें जा रहा है, राइट। हेलो गाइज, वेलकम टू पार्ट टू ऑफ दिस वेब डेवलपमेंट सीरीज। वी हैव स्टार्टेड टू डेवलप ए वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS। सो पार्ट वन हमने ऑलरेडी देख लिया है, मैंने उसमें लैंडिंग पेज डेवलप किया हुआ था। बट आफ्टर दैट आई फेल्ड लाइक आई नीड टू चेंज समथिंग हेयर इन डिज़ाइन। सो चेंजेस किए हैं इसमें, लाइक ये जो पहले का वेबसाइट आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा लोगो था ये, फिर ये हमारा जो था टाइटल कुछ अच्छा दिख नहीं रहा था। प्लस मैंने ये हमारा जो कलर है ये कलर कोडिंग भी चेंज किया अपने लोगो के अकॉर्डिंगली। और प्लस ये पूरे साइट का फॉन्ट भी आप चेंज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किया हुआ है, तो ये फॉन्ट चेंज है। और प्लस ये कुछ सब टाइटल के रूप में भी दिया हुआ है, ये तो हमारा हेडर टाइटल हो गया, उसके बाद सब टाइटल भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। और अब जब इसको होवर करेंगे तो ये नाइसली इस सैन कलर का ये होवर इफेक्ट इस पे आएगा। और प्लस ये जो मेनू बार है वहाँ पे भी होवर इफेक्ट आएगा, राइट। और ये काफ़ी कॉन्साइज लग रहा है ये लोगो एंड ये मेनू। तो ये चेंजेस सबसे पहले देख लेंगे हम, उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में आप ये सब भी देख सकते हैं कि मैंने कोर्सेज भी ऑफर भी ऐड कर लिया है। तो कोर्सेज भी ऑफर में मैंने ये तीन बॉक्स को डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें आप ये हमारा टाइटल हो गया, ये हमारे कोर्सेज का टाइटल, फिर उसका सब टाइटल और डिस्क्रिप्शन यू कैन से। तो ये कैसे ऐड करेंगे इसमें, आप जब होवर करेंगे तो ये इफेक्ट देख रहे हैं आप, शैडो का इफेक्ट आ रहा है। तो सारा चीज़ हम देखने वाले हैं आने वाले वीडियोस में, देखते हैं इस वीडियो में हम कहाँ तक कवर कर पाते हैं। उसके बाद सर्विसेज भी ऑफर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। अब जैसे ओवर करते हैं इसको तो एक अच्छा सा ओवर इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये ब्लू कलर का उसमें जा रहा है, राइट। तो ऐसे ये सब चीज़ करना सीखेंगे हम, फैसिलिटी भी ऑफर। तो ये एक थ्री सेक्शन है इसमें, फिर हमारा व्हाट आवर क्लाइंट से टेस्टिमोनियल ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, राइट। फिर उसके बाद इनरोल आवर वेरियस ऑनलाइन कोर्सेस, ये कॉन्टेक्ट अस पेज का जो सेक्शन है वो डिज़ाइन करेंगे। फिर अबाउट अस में छोटा सा ये हमारा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और फिर हमारा जो सोशल मीडिया लिंक दे सकते हैं, एंड लास्ट में मेड बाई ATS, राइट। तो ये सारा चीज़ अभी हम डेवलप करके सीखेंगे इसको, कैसे करते हैं, कैसे हम वन बाय वन देखेंगे सारे सेक्शन को, देखते हैं इस वीडियो में हम कितना कवर कर पाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये सब चीज़ से कि कैसे ये लोगों को थोड़ा सा कॉन्साइज करेंगे, एंड ये टाइटल ऐड करना है, प्लस ये होवर इफेक्ट चेंज करना है, और होवर इफेक्ट इस पर भी डालना है, ओके। सबसे पहले वो शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। एंड आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि मैंने कुछ चेंजेस किए फोल्डर स्ट्रक्चर में भी। लाइक CSS फाइल को मैंने CSS फोल्डर के अंदर रख दिया है, इमेजेस फाइल को इमेजेस फोल्डर के अंदर रख दिया है, इमेजेस में भी जो इमेजेस थे वो मैंने रख दिया है, एंड अकॉर्डिंगली मैंने पाथ को भी चेंज किया है, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो बैकग्राउंड का है, बैकग्राउंड मैंने जो दिया हुआ था वो इमेजेस एंड BG2.JPG, पहले सिर्फ BG2.JPG था, तो अब ये इमेजेस के अंदर आ गया, राइट, क्योंकि मैंने इमेज के अंदर वो रख दिया है वो फाइल। वैसे ही जब index.html में जाइएगा तो यहाँ पे लोगो का जो फाइल है वो लोगो जो है पहले इमेजेस के बाहर था, मतलब बाहर था, कोई फोल्डर के अंदर नहीं था, अब ये फोल्डर के अंदर आ गया, इसलिए images/logo.png कर दिया है, राइट। तो ये चेंजेज आप कर सकते हैं, ओके। बाद सबसे पहले हम चेंज क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेंज करेंगे ये हमारा जो बटन का कलर है। अभी आप देख सकते हैं कि बटन का जो कलर है वो वाइट, ऐसे एक्सप्लोर पे जो होवर करने पे वाइट आ रहा है, ये हमको सियान कलर का चाहिए, मतलब इस कलर का हमारा जो लोगो का कलर है उस कलर का कुछ चाहिए। तो वो कलर कोड मैंने ऑलरेडी देख लिया कि आपका कलर कोड होगा, मैंने वो कलर कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बैकग्राउंड का जो होवर करने पाएगा वो भी है। अब जैसे सेव करते हैं, अब जैसे ही देख सेव करेंगे अब देखेंगे कि ये इफेक्ट हो चुका है, राइट। तो ये एक्सप्लोर पे आप जब होवर करेंगे तो ये सैन कलर का आएगा, हटाएंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, राइट। एंड अब दूसरा क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा ये जो सेक्शन है ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये लोगों को बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा कॉन्साइज करेंगे, लाइक दिस, इन दिस वन यू कैन सी द इफेक्ट, यू कैन सी द डिफरेंस, राइट। तो हम इसको थोड़ा सा ये कैसे करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे हमारे पास है नैव इमेज 150 के जगह पे हम 100 यदि कर दें तो ये हमारा कौन साइज हो गया, राइट। और ये भी थोड़ा सा ऊपर आ गया तो ये अच्छा लग रहा है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है, ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है अभी हमको फॉन्ट में, मैंने ये फॉन्ट यूज़ किया हुआ है, वो फॉन्ट का नाम है पॉपिंस करके। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो क्या करना है कि
गूगल फॉन्ट्स में जाना है, राइट। गूगल फॉन्ट्स में जाइए, यहाँ पे आप फॉन्ट्स में जाइए। फॉन्ट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ढेर सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। ये फॉन्ट्स पे क्लिक कीजिए, ये ढेर सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। इन माई केस आई हैव यूज्ड दिस वन आई गेस पॉपिंस, तो इस पर सेलेक्ट कीजिए। और इसमें भी ढेर सारे फैमिली है, इसके फॉन्ट फैमिलीज हैं, राइट। तो बेस्ड ऑन योर चॉइस यू कैन सेलेक्ट इट। सो आई हैव सेलेक्टेड दिस वन, रिमूव 300 एंड मतलब 300, देन एक्स्ट्रा लाइट 200 एंड देन लाइट 300, ये रेगुलर 400, ये सब मैंने ऐड किया हुआ है। आप जैसे ही सिलेक्ट करते रहेंगे वो सारा लिंक यहाँ पे आपको जनरेट होता रहेगा, राइट। तो मेरा जो था, सबसे पहले तो ये वाला आपको गूगल APIs का और ये वाला, ये दोनों लिंक आपको कॉपी करके उधर डाल देना है, जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला जो था वो, ये दोनों मैंने डाल दिया है। इसके बाद वो पर्टिकुलर फॉन्ट्स का, हमारा जो पॉपिंस है तो पॉपिंस फैमिली का आपको यहाँ पे पॉपिंस फैमिली का आपको, ये पॉपिंस फैमिली का ये वाला लिंक जो है यहाँ से कॉपी करना है, और ये कॉपी करके और यहाँ पे ये वाला पेस्ट कर दें जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, राइट। हम लिंक कर दिए ये वाला। एंड उसके बाद यूज कैसे करना है, तो यूज़ करने के लिए आप जब नीचे आइएगा तो हमारा ये पॉपिंस, ये फैमिली सेलेक्ट करना है, इसको कॉपी कीजिए एंड सीधे आपको CSS फाइल में जाइए। CSS फाइल में जाने के बाद हमारा जो ये, हमारा ये इस पे है, इस पे आके पेस्ट कर दीजिए, राइट। तो आप देखेंगे कि हमारा अप्लाई हो चुका होगा, हमारे वेबसाइट पे वो अप्लाई हो चुका होगा। देखिए जैसे फॉन्ट हमारा पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया, ये अप्लाई हो चुका है, राइट। ये हो गया। एंड तीसरा क्या है, इसमें ओवर इफेक्ट डालना है। तो ओवर इफेक्ट डालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको एक अलग डिव में रखेंगे और फिर उसको स्टाइल करेंगे, राइट। तो चलते हैं index.html फाइल में, आई होप कि आपको विजिबल होगा। हाँ चलिए ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारा, एक चीज़ और यहाँ पर चेंजेस किया है मैंने कि ये जो इमेजेस टैग है डायरेक्टली उसको मैंने एंकर टैग में रख लिया है, और ये index.html एंड ये इमेजेस जो है क्या बोलते हैं, इमेजेस टैग में ये इमेज लोगो रख लिया है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक क्लास लेंगे, सॉरी एक डिव लेंगे। डिव का हम नाम रख देते हैं नैव, नैबलिंग्स, राइट। नैबलिंग्स रख दिए, और नैबलिंग्स रखने के बाद आपको ये वाला जो डिव है इसको पूरा यूएल को कवर कर लेना है, राइट। तभी आप जैसे इसको सेव करेंगे देखिए कि वो हमारा थोड़ा सा स्टाइल में चेंजेस आ गया होगा, क्योंकि वो हमारा जो पहले का स्टाइल लिखा हुआ था वो कुछ और था, कुछ और डिप पे था, अब थोड़ा कुछ और हो गया। तो ये हम मेनू देखो, मेनू जो था रहा था वो राइट साइड में था, वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, राइट। तो क्योंकि हमारा स्टाइल थोड़ा अब चेंज करना होगा, क्योंकि हमने स्टाइल डायरेक्ट लिखा था नैव को, यूएल को टारगेट करके, बट अब बीच में हमारा नैव लिंक्स आ गया, तो उसको कैसे करेंगे वो चलिए देखते हैं। तो इसका ये क्लास को कॉपी कर लेते हैं, क्लास को कॉपी करके स्टाइल में जाते हैं, और ये नैव इमेज के बाद से हमें लगता है नैव यूएल का यूज़ नहीं करना है, तो ये पार्ट टू का हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये नैव लिंक्स क्लास हो गया, नैव लिंक्स क्लास में ये डॉट दे दिए, एंड नैबलिंग्स क्लास का, क्लास में पहले हम डालेंगे फ्लेक्स वन एंड टेक्स अलाइन डाल देंगे, राइट। फ्लेक्स वन एंड टेक्स्ट अलाइन, राइट, डाल दिए। ओके ओके, उससे क्या हुआ होगा कि उससे हमारा ये जो मेनू बार है फिर से राइट में अलाइंड हो चुका है, राइट। ये राइट में अलाइंड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम नैबलिंग से ULLI को टारगेट करेंगे। ओके सो नैबलिंग्स के ULLI को टारगेट करेंगे, तो हम क्या करते हैं इसको नैबलिंग्स में ULLI ऐसे करके उसको टारगेट करेंगे। टारगेट में हमको सबसे पहले देंगे लिस्ट स्टाइल, तो लिस्ट स्टाइल हमको तो नन रखना है, राइट। हमको कुछ यूज़ नहीं करना है CSS का, हमें अपना खुद का स्टाइल करना है, तो वो हटा देंगे। पहले हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे, फिर डिस्प्ले
इनलाइन ब्लॉक कर दिए, मतलब उस जगह पे हमको कुछ दिखाना है तो उसको पहले हम ब्लॉक कर दिए, उसके बाद थोड़ा पैडिंग दे देंगे हम। जैसे जैसे हम सेव करेंगे वैसे वैसे आपको इफेक्ट दिखते रहेगा उधर। तो पैडिंग में हम देंगे 8 px एंड 12 px, राइट। एंड उसके बाद पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं, पोजीशन रिलेटिव ये दे दिए, राइट। तो अब देखते हैं कि क्या चेंजेज आया इसमें। ये थोड़ा सा हमको थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा हुआ है। अब आगे देखते हैं, आगे करते हैं, अभी अभी बहुत सारा चीज़ बाकी है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा पहले का जो स्टाइल लिखा हुआ था नैव यूएल करके, नैव यूएल नैव एलआई, तो ये सारा स्टाइल को हम अभी यूज़ नहीं करना है हमको। तो हम बस इसको कमेंट कर दे रहे हैं, ओके। जैसे ही कमेंट करेंगे आपको कुछ उधर शायद दिखने को मिल जाए, राइट। तो वो हमारा जैसे ही हटा दिए तो एक्स्ट्रा स्पेस जो था दोबारा अप्लाई होके आ रहा था वो चला गया यहाँ से, राइट। तो वो हमारे तो वो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, अब इसके जैसा दिख रहा है, ओके। तो वो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो LI में हम डायरेक्टली टेक्स्ट लिख दिए हैं, हमको तो वो लिंक चाहिए इन फ्यूचर। तो हम क्या करेंगे कि उस LI का जो टेक्स्ट है, जैसे होम हो गया, अबाउट हो गया, कोर्सेस हो गया, ये सब चीज़ जो हो गया वो सब चीज़ को हम क्या करेंगे, वो सब चीज़ को हम क्या करेंगे कि एंकर टैग में रखेंगे, राइट। तो एंकर टैग में कैसे रखते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ahref डालना है, ahref डालना है। ahref में आपको ये तो हमारा इंडेक्स डॉट एस टी एम एल ही हो जाएगा क्योंकि ये होम है, एंड इसको क्लोज करेंगे। एक्चुअली ये होम को हमको एंकर टैग में ऐसे रखना है, ओके। तो ये हो गया, अब ऐसे ही हम सबको करना है, राइट। मतलब सब में अलग अलग रहेगा, तो जल्दी से कर लेते हैं, राइट। तो ये अबाउट अस का पेज है तो इधर अबाउट अस कर देंगे, ये वीडियोस का हो जाएगा, इधर वीडियोस कर देंगे। ये हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, ये अब इसके अंदर ही चाहिए। ये कोर्सेज को इधर से कट करेंगे, इधर डाल देंगे, सर्विसेज को इधर से कट करेंगे, इधर डाल देंगे। एंड एंड ऑब्वियसली हमको ये सारा लिंक चेंज करना पड़ेगा, अभी सिर्फ होम के लिए वर्क करेगा क्योंकि इंडेक्स डॉट एस टी एम एल होम पे ही जाता है। अब बाकी सर्विसेज, कोर्सेज, वीडियोज़ एंड अबाउट अस के लिए जब हम पेज डेवलप करेंगे तो उसका लिंक यहाँ पे दे देंगे। अभी फ़िलहाल हम उसको हटा देंगे या यही रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मैं हटा दे रहा हूँ। अभी रखने से क्या होगा कि कहीं भी क्लिक करोगे तो आप इंडेक्स पे ही जाएगा, तो ये हटा दिए। अब हमको क्या करना है कि इस नैब लिंक्स के, ये नैब लिंक्स हो गया, उसके यूएल के एलआई के एंकर टैग को स्टाइल करना है, राइट। एंकर टैग पे ही ओवर करने पे वो आ रहा है ना, तो उसके लिए स्टाइल करना है, तो उसके लिए स्टाइल करना है। तो आपको बस यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ये कॉपी कर लेना है, इधर पूरा कॉपी कर लीजिए, एंड इसके बाद इसको पेस्ट कीजिए। अब इसके एंकर टैग में हमको स्टाइल करना है, उसके एंकर टैग अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो आ रहा है ये होम, ये कलर कलर आ रहा है, जैसे ही एंकर टैग डालेंगे वो कलर आ जाता है, एंड प्लस ये अंडरस्कोर आ जाता है। तो वो सब चीज़ हमको हटाना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि कलर वाइट कर देंगे, कलर को हम वाइट कर देंगे, एंड इसके बाद सॉरी कलर को वाइट कर देंगे, इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, फॉन्ट साइज 15 px कर देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाएगा, हमको डेकोरेशन नहीं चाहिए, एंड फॉन्ट साइज को हम 15 px ले सकते हैं। तो अब देखते हैं ये क्या इफेक्ट डालता है। अब जैसे कि वो हट गया, स्टाइल हट गया। अब ये क्यों दिए हम एंकर टैग, क्योंकि हमको लिंक देना था। अभी जैसे पहले इस पर लिंक करने पर ऐसे नहीं आ रहा था, अब ये लिंक हो गया। अभी क्लिक करेंगे तो किसी और पेज पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अभी सिर्फ फिलहाल होम के लिए इंडेक्स पेज पे लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ कॉर्नर में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम करेंगे होवर तो इंडेक्स डॉट एस टी एम एल, सर्विसेज पे ये सब यहाँ पे होवर में आ रहा है, राइट। तो ये हो गया, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद हमको ये देना है,
होवर इफेक्ट डालना है। तो होवर इफेक्ट डालने के लिए हमें फिर से ये वाला कॉपी करना पड़ेगा, ये वाला क्लास, एंड ये वाला क्लास को कॉपी करने के बाद आपको एलआई के बाद हमें क्या करना है, उसका आफ्टर लिखना होता है, राइट, उसका आफ्टर। एलआई पे जैसे ही मतलब उसको होवर करें तो क्या क्या उस पर ये अप्लाई होना चाहिए, सीएसएस अप्लाई होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम एक कंटेंट ब्लैंक ले लिया रहता है, मतलब वो ब्लैंक मतलब जब कुछ नहीं कर देना रहता है वहाँ पे ब्लैंक ले लेंगे। उसके बाद उसका कंटेंट का विड्थ ले लेंगे, तो विड्थ अभी 0px कर देते हैं। अभी अभी चूँकि हमको शो करना है इसलिए हम हाइट तो 2px लेते हैं। इसके बाद हम बैकग्राउंड कलर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर में हम क्या करेंगे, वही हमारा जो लोगो का कलर है उसके जैसा मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ। उसके बाद हम डिस्प्ले करेंगे ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक कर लेंगे। ओके, डिस्प्ले ब्लॉक के बाद हम क्या करेंगे कि मार्जिन दे देंगे, मार्जिन दे देंगे, मार्जिन हमारा तो ऑटो ही रहेगा। एंड अभी बस इतना ही देखते हैं, ये हमारा 100% ऐसे करके देखते हैं अभी कि क्या आ रहा है उधर। तो जैसे ही हम इधर जाएंगे आप देखते हैं वो पूरा वो अंडरस्कोर आ गया, बट ये डायरेक्टली आ जा रहा है। हमको चाहिए होवर करने पर वो स्मूथली आए, मतलब एक ट्रांजिशन जैसा हो कर आए, राइट। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ये सारा अब ये फिर से ये क्लास कॉपी करेंगे, फिर से जो है ये वाला क्लास ये कॉपी करेंगे। ये कॉपी करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है इधर, बस ये करके, एंड इसके बाद आपको देना है होवर। इसके बाद होवर के बाद ये आफ्टर क्या होना चाहिए इधर अप्लाई करना है, और उसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस होवर जब करे तो जो विड्थ है पहले से हमको रखना है यहाँ पे 0, राइट, पहले से आपको रखना है 0px। अब जैसे ही विड्थ होवर करेगा उस पर, तो ओवर करने के बाद इसको 100% कर देना है, राइट। तो अब अभी देखेंगे अभी कैसा इफेक्ट आएगा। ये चला गया, अब जैसे इसको करेंगे ये आ रहा है, राइट। ओके, बट ये स्मूथली नहीं आ रहा, डायरेक्ट आ जा रहा है, थोड़ा सा हमको स्टाइल और चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि उसके लिए हम उसके लिए ट्रांजिशन लगा देंगे, मतलब जैसे ही ओवर करे ओवर में ये जो जो लाइन आ रहा है अंडरस्कोर वो होना चाहिए ट्रांजिशन, नॉट डायरेक्टली। तो हम कुछ सेकंड दे देते हैं, 0.5 सेकंड्स, राइट। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए कितना अच्छे से आ रहा है कोर्सेस एंड अबाउट अस, राइट। इसका भी ट्रांजिशन ठीक ठाक नहीं है शायद। ओके, विल सी लेटर। अब क्या था, इसके नीचे थोड़ा सा हमको ये देना है, एक सब टेक्स्ट देना है। तो वो कैसे देंगे, तो सबसे पहले तो हम जाएंगे वो कुछ नहीं देना है आपको, बस ये कंटेंट मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, मेरा जो कंटेंट है, राइट। एंड वो जो कंटेंट है वो आपको पी टैग में, पैराग्राफ टैग में, यहाँ पे हमारा पैराग्राफ टैग में, पैराग्राफ टैग में हमारा यहाँ पे H1 टैग के नीचे यहाँ पे वो डाल देगा, राइट। तो वो हो गया हमारा। अब देखते हैं कि क्या आ रहा है इधर, जैसे हो गया यहाँ पे ये आ गया, राइट, ये टेक्स्ट आ गया। तो वो सारा चीज़ हम अब अचीव कर लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, कि ये वाला पार्ट कैसे डिज़ाइन करेंगे कोर्सेज वी ऑफर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग पार्ट, की कैसे हम कोर्सेज का जो सेक्शन है वो डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो एक चेंज कर लीजिएगा, आपकी जो हेडर में आपको हेडर दिख रहा है यहाँ पे डिव था तो मैंने सेक्शन कर लिया है, ये डिव जब आप सेक्शन ले सकते हैं, राइट। और इसके बाद एक और सेक्शन हम बनाते हैं इसके लिए, कोर्सेज के लिए, राइट। तो ये सेक्शन ये बनाते हैं, सेक्शन का क्लास रहेगा हमारा, ये क्लास क्या रहेगा, ये कोर्स नाम का एक क्लास रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके बाद एक H1 टैग है जहाँ पर लिखा हुआ है कोर्सेज वी ऑफर, राइट। तो हम वहाँ पे H1 टैग में कोर्सेस वी ऑफर करके लिख देंगे, कोर्सेस वी ऑफर करके वैसे लिख देंगे। उसके बाद एक पैराग्राफ टैग है, उसके बाद एक पैराग्राफ टैग है जिसमें लिखा हुआ है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, यूआई डिजाइनर एंड बैकएंड डेवलपमेंट। तो ये वो कंटेंट मैंने बस कॉपी करके रखा हुआ है, तो मैं वो बस लिख ले रहा हूँ। इसके बाद हमारा जो है ये तीन सेक्शन है उसमें,
राइट। यहाँ पे आप यदि देखें तो यहाँ पे आप देखें तीन सेक्शन है यहाँ पे, ये और ये पार्ट तो हमने लिख लिया। इसके बाद तीन सेक्शन है, फुल स्टैक डेवलपमेंट, यूआई डेवलपमेंट एंड पाइथन डेवलपमेंट। तो वो तीन सेक्शन कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो उस तीन सेक्शन के लिए हमको रो एंड कॉलम बनाना होगा अपने सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले एक डिव लेते हैं, डिव का क्लास रो लेते हैं, एंड इसके अंदर एक और डिव लेते हैं जिसका क्लास का नाम रहेगा कोर्स कॉलम। ओके, तो कोर्स कॉलम ये जो डिव है ये हमें तीन बार चाहिए, मतलब तीन सेक्शन बनाना है इसलिए तीन बार यहाँ पे चाहिए। राइट, तो ये तीन बार यहाँ पे कॉपी कर दिए। अभी जैसे कि अभी ये पहला सेक्शन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अभी इसको जस्ट इसको देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है अपने वेबसाइट पे। तो अभी बस ये ऐसे आया, कोर्सेज वी ऑफर, ये हमारा सब टाइटल, इसके बाद 1 2 3 सेक्शन, बट अभी वो स्टाइल नहीं आया। तो चलिए इसको हम सबसे पहले तो कंटेंट डाल देते हैं, और उसके बाद उस पर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे। तो वैसे मैंने कंटेंट बस रिफ्लेस कर दिया, जैसे कि हर एक सेक्शन में हमारा ये S3 टैग में हमारा टाइटल है, उसके अंदर छोटा सा उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन हर एक कॉलम में डाल दिया हुआ है। तो अब इसको देखते हैं कि क्या आ रहा है यहाँ पे हमारी वेबसाइट में। तो इस तरह से आ गया। राइट, अब हमको इसको स्टाइल करना है। तो इसको स्टाइल करने के लिए हमको चलते हैं CSS फाइल में, एंड CSS फाइल में हम यहाँ पे ये क्या करते हैं कि कोर्सेज का सेक्शन ले लेते हैं। ये जस्ट गाइज ये कमेंट है, इसको आप दे सकते हैं नहीं भी दे सकते, मैंने बस क्लैरिटी के लिए आप लिख दी। अब कोर्सेज का जो CSS है वो स्टाइल वो स्टार्ट होने जा रहा है। राइट, तो सबसे पहले हम कोर्सेस जो कोर्स क्लास बनाए हैं, राइट, अपना जो कोर्स क्लास क्लास बनाए हैं उसको स्टाइल करेंगे। तो उसको स्टाइल करने के लिए हमको उसको लिखना होगा, एंड ये क्लास है तो इसको यहाँ पे डॉट प्रॉपर्टीज एक्सेस कर लेते हैं, एंड इसको ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो उसका हम थोड़ा सा कुछ विड्थ दे देते हैं, तो हमारा विड्थ जो होगा वो 80% देते हैं, मतलब फुल कवर नहीं करना चाहिए पूरा स्क्रीन, वो दे दिए। उसके बाद मार्जिन दे देंगे हम, मार्जिन मार्जिन दे देंगे, मार्जिन ऑटो में जितना ले ले वो, जितना मतलब विड्थ के अनुसार वो अपेरेंट के अनुसार ले लेता है। एंड उसके बाद टेक्स्ट लाइन जो है वो हमारा सेंटर आ जाएगा। उसके बाद हमारा पैडिंग टॉप आ जाएगा, पैडिंग टॉप से हमको 100px का पैडिंग रख लेना है। राइट, तो ये हमारा कोर्सेस कोर्स का जो है स्टाइल तैयार हो गया, मतलब ये सिर्फ ये सेक्शन का स्टाइल तैयार हुआ है। तो इसका इफेक्ट कैसा आ रहा है वहाँ पे देखते हैं। अब देखो ये पहले इधर आ रहा था, ये थोड़ा सा अभी मिडिल में आ गया। राइट, इसको और थोड़ा सा स्टाइल जो हमारा टारगेट कैसे अचीव करना है, तो इसके बाद हम उसके अंदर जो H1 टैग है उसको भी मतलब H1 टैग जो है सेक्शन के अंदर उसको टारगेट करेंगे। राइट, तो उसको करने के लिए H1 टैग में हमको उसका फॉन्ट साइज एंड प्लस फॉन्ट विथ वो सारा चीज़ उधर देना पड़ेगा, जो टारगेट जो डिज़ाइन हमने बनाया हुआ है उसको अचीव करने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि इस कोर्स के अंदर जो H1 टैग है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। उसमें क्या देना है, उसमें देना है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हमको 36px एंड फॉन्ट विथ, फॉन्ट वेट जो है हमको देना है 600। ओके, तो ये आप चेक करके देखने के बाद देख सकते हैं क्या उसका इफेक्ट आ रहा है उधर। एंड इसके बाद हमको पैराग्राफ टैग, जो H1 टैग के अंदर जो पैराग्राफ टैग लिखा हुआ है उसको भी स्टाइल करना है। तो ये कोर्स, उसके बाद पैराग्राफ टैग, राइट, मतलब उस कोर्स सेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ टैग है उस पर सिर्फ अप्लाई होगा ये। तो ये कलर हो गया, कलर हम वो हमें ग्रे चाहिए, तो ग्रे का हमारा जो है वो 777 करके वो हमारा ग्रे कलर वहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद फॉन्ट साइज हमको चाहिए, फॉन्ट साइज हमको चाहिए 14px। उसके बाद हमको फॉन्ट वेट चाहिए, तो फॉन्ट वेट चाहिए, फॉन्ट वेट हमको चाहिए 300। उसके बाद हमको चाहिए लाइन हाइट, ओके, उसके बाद चाहिए हमको लाइन हाइट 200, सॉरी 22px। पैडिंग या जैसा मैंने करके देखा हुआ है तो मुझे याद है कि वो कितना ले रहा है, तो कितना में अच्छा आ रहा है, इसलिए मैं वो डायरेक्ट अप्लाई कर दे रहा हूँ। आप इसको ऊपर नीचे करके 22, 23 या 25 या 20 ले करके आप देख सकते हैं कितने में आपका स्क्रीन में अच्छा दिख रहा है। राइट, तो वो सब चीज़ कर सकते हैं आप ट्राई। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ टैग का स्टाइलिंग। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये कुछ चेंजेस हुआ है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेज आए। अब देख सकते हैं कि क्या ये जो पैराग्राफ टैग है उसमें उसका स्टाइल अप्लाई हो गया है। राइट, अब हम नेक्स्ट क्या स्टाइल करेंगे, हमको नेक्स्ट स्टाइल करना है रो एंड कॉलम का, जो रो एंड कॉलम हम बनाए हैं उसका स्टाइल करना है। राइट, तो
जल्दी से मैं लिख देता हूँ वो, तो रो का जो रो में जो अप्लाई करना है हमको, उसके लिए हमको रो क्लास प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होगा, और उसके बाद हमें मार्जिन मार्जिन टॉप हमको दे देना है 5%। उसके बाद आपको है डिस्प्ले, हमें अभी हॉरिजेंटली वर्टिकली दिख रहा था, तीनों से तीनों कॉलम हमको हॉरिजेंटली दिखाना है, तो डिस्प्ले फ्लैक्स जो है उसके लिए यूज़ होता है, राइट। उसके बाद कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट लगा देना है, कितना स्पेस बिटवीन रहेगा वो, मतलब वो एक कौन साइज रहता है उसको स्पेस देता है टेक्स्ट के बीच में, तो ये हो गया। इसके बाद हम कॉलम का प्रॉपर्टी लिखेंगे, हमारे पास कोर्स कॉल नाम का एक क्लास बनाए थे, उसमें हम फ्लैक्स बेसिस पहले लिखेंगे। ये सब हमारा जो है होवर इफेक्ट, मतलब ये जो 31%। उसके बाद बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, तो बैकग्राउंड में हमको ये कलर लाइट सियान करके कलर है, उसको हम यहाँ पे दे सकते हैं ऐसे, राइट, ऐसे करके। उसके बाद हमको बॉर्डर रेडियस हमको चाहिए 10px। इसके बाद हमको चाहिए मार्जिन बॉटम हमको चाहिए 5%। इसके बाद हमको चाहिए पैडिंग, फिर पैडिंग हमको चाहिए 20px लेफ्ट से, एंड फिर 12px, ये दो साइड से चाहिए हमको, ओके, ये दो साइड से पैडिंग चाहिए। उसके बाद बॉक्स साइजिंग जो आपको बॉक्स का जो बॉर्डर अभी नहीं दिख रहा होगा, वो अभी आप कर देने से वो दिखने लगेगा, ओके। तो वो क्या करना है, बॉर्डर बॉक्स करना है, राइट। अभी सेव करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई हो गया है, तो ये हमारा डिब जो है नाइसली यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें अंतर दिख रहा होगा आपको, ये जो है ये थोड़ा ये होवर इफेक्ट, ये सब देखते हैं कैसे होता है। तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद हमारा जो H3 टैग है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड दिख रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे हम, राइट। तो उसका CSS लिखने के लिए हमको बस H3 टैग जो है, H3 टैग को कर देना है टारगेट, तो कोर्सेस कोर्स के अंदर जो अभी डायरेक्ट H3 टैग भी दे सकते हैं, हम कहीं पे यूज़ किए नहीं है, बट टेक्स्ट अलाइन देना है हमको, टेक्स्ट अलाइन हमको क्या करना है, सेंटर रखना है, जाहिर सी बात है। और उसके बाद हमको फॉन्ट विड्थ वेट भी देना है, फॉन्ट वेट हमको कितना देना है, तो 600, सॉरी 600 देना है। इसके बाद मार्जिन जो है दे देना है आपको 10px एंड 0 करके ऐसे दे देना है, ओके। तो ये हो गया। अब इसको अब देखेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंजेज आया होगा, राइट। अभी जब सेव करेंगे तो आपकी थोड़ा सा, अभी देखो थोड़ा चेंज आया ना वो। अब ये लास्ट बच गया, इस पर होवर इफेक्ट, ये होवर इफेक्ट जैसे कि इस पर आ रहे होवर इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे स्टाइलिश ऐसे करने से होवर इफेक्ट आ रहा है, तो वो वाला कैसे देंगे, तो उसके लिए बस एक लाइन का कोड हमें लिखना है, और वो कोड है बस हमें कोर्सेस का जो कॉलम है उसके होवर पे बॉक्स शैडो चाहिए, ओके। तो बॉक्स शैडो में फिर वो कलर कोडिंग और ये उसका ट्रांजिशन देना है, तो कोर्सेस कॉल का जो होवर है उसमें आपको ये वाला कोड बस डाल देना है, राइट। तो अब ये अब देख रहे हैं यहाँ पे होवर इफेक्ट आने लगा, राइट। तो ये कोर्सेज की ऑफर हम यहाँ पे डेवलप कर लिए, ओके गाइस। तो लैंडिंग पेज प्लस ये स्टाइलिंग देख लिए हम आज, फिर ये देखे, फिर ये सब टाइटल देखे, एंड ये लोगो कौन सा एच किए, इसके बाद ये हम ये सेक्शन डेवलप किए इस ट्यूटोरियल में, ओके। तो आने वाली वीडियो में हम ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आप यहीं पे इसको समाप्त कर रहा हूँ। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे ये सारे सेक्शन को कैसे बनाएंगे, ओके, सारे सेक्शन को हम कैसे डेवलप करेंगे वो सब देखते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एज वेल, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।